हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज मैं बात करूंगा काफी सारे कमाल के अपडेट के बारे में, जिसमें कि सबसे टॉप का अपडेट है ब्लैक पैंथर से रिलेटिव, जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज है। और इसके साथ बात करेंगे स्पाइडरमैन 3 की सेट इमेजेस के बारे में, बात करेंगे जस्टिस लीग की बिहाइंड द सीन इमेजेस के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस लीग की न्यू बिहाइंड द सीन इमेजेस के बारे में, जिसमें कि वंडर वुमन हमें डार्क साइड के टेंपल में देखने को मिली है। और उसी के साथ अगली जो बिहाइंड द सीन इमेजेस है वो है जैक स्नाइडर की, जिसमें कि उन्होंने काफी बड़ी सी मिसाल पकड़ रखी है। तो इतनी बड़ी बड़ी सेट इमेजेस को देख के लग रहा है कि ये जैक स्नाइडर की मूवी जैसे लीक बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि रूमर आ रहा है कि जैसे लीक 2 भी आएगी, जिसे डायरेक्ट करेंगे जैक स्नाइडर। और इसी के साथ ये मूवी ऑफिशियली 2021 में दिसंबर के महीने में रिलीज होगी, जहां तक की अपडेट है एचबीओ मैक्स पर। और अपडेट ये भी है कि इसका हमें इंडियन थिएटर्स में भी देखने को मिल सकती है और अदर थिएटर्स में भी देखने को मिल सकती है, पर अभी फिलहाल के लिए रूमर है। और बेन अफ्लेक काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इस मूवी में उनका काफ़ी सारे रीशूट करे गए हैं और कुछ नए सीन एड ऑन करे गए हैं, जो कि जैक स्नाइडर के ऑफिशियली स्क्रिप्ट में थे। अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो स्टूडियो ने कन्फर्म कर दिया है कि चैडविक बॉसमैन का कोई भी डबल स्टैंड नहीं होगा, और देन वो मूवी को बनाने के लिए कुछ नया आइडिया सोच रहे हैं। उसी के साथ अपकमिंग ब्लैक विडो मूवी में टास्कमास्टर फाइटिंग स्टाइल कॉपी करेगा स्पाइडरमैन का और विंटर सोल्जर का, और ब्लैक विडो को तो ऑलमोस्ट कॉपी करेगा। अब बात करते हैं रिलीजिंग डेट के बारे में। तो 15 जनवरी को वांडाविजन रिलीज होगी, ब्लैक विडो रिलीज होगी 7 मई को, 9 जुलाई को शैंग-ची, इंटरनल्स 5 नवंबर को, और स्पाइडरमैन 3 रिलीज होगी 17 तारीख को। थॉर 4 में स्टार लोड कंफर्म हो चुके हैं ऑफिशियली। जी हां, क्रिस पाइन को ऑफिशियली कास्ट करा गया है इस मूवी में। और उसी के साथ एक और नई कास्ट ग्रूट को भी इस मूवी में इंक्लूडिंग करा जाएगा। विंडीजन को ऑस्ट्रेलिया के सेट पे देखा गया है, कुछ ऐसे अपडेट्स आ रही हैं, तो उसका मतलब ग्रूट भी हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ जस्टिस लीग 2 के रूमर्स आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि जस्टिस लीग के काफ़ी शोरों से रूमर्स आ रहे हैं और जैक स्नाइडर इसे डायरेक्ट करेंगे, ऐसे अपडेट्स हैं। उसी के साथ जैक स्नाइडर ने अपना खुद का एक स्टीफन बोल्ट का लुक लॉन्च कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। और देन मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना प्यारा लगेगा अपने खुद ऑरिजिनल वर्जन में। उसी के साथ दिसंबर से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की, जिसमें कि एलिजाबेथ ओल्सन ने कंफर्म कर दिया कि वो उसमें मौजूद रहेंगी। और देन ये टीवी सीरीज डायरेक्ट कनेक्ट होगी वांडाविजन से। द एंट्रेंस के रीशूट कंप्लीट हो चुके हैं और देन अब काम चल रहा है एडिटिंग पर। उसी के साथ अगला अपडेट है स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड। तो हॉबगोब्लिन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं नेट, जो कि अब पतले हो चुके हैं। और देन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का, तो ट्रांसफॉर्मर की अपकमिंग मूवी बबलबी 2 कंफर्म हो चुकी है। जी हां, आपको ये 100% देखने को मिलेगी। अब देन डायरेक्टर कौन है, स्क्रिप्ट डायरेक्टर कौन है, जो भी होगा आपको मैं अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। सिल्वेस्टर, जो कि एक बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, वो सुसाइड स्क्वाड में एक सीरियस मिस्टीरियस कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक सुपर हीरो का। अब वो कौन सा कैरेक्टर है अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है। उसी के साथ C3PO, जो कि स्टार वॉर्स का काफी कमाल का कैरेक्टर है, उनके जो ऑफिशियली एक्टर प्ले करने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इस कैरेक्टर से कभी भी रिटायरमेंट नहीं लूंगा, यानी कि अपकमिंग स्टार वॉर्स मूवी में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि स्पाइडरमैन 3 से। तो फाइनली टॉम हॉलैंड ने एक इमेज डाली स्पाइडरमैन की शूज पहनते हुए, जिसमें कि वो गोल्फ मैच देख रहे हैं। और उसी के साथ आज की जो बिहाइंड द सीन इमेजेस हैं वो ये हैं, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कि स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड जेंडा यानी कि एमजे को अपने हाथों से पकड़कर नीचे गिरते हैं, तो ये काफ़ी कमाल का है। और देन वो जिस चीज़ पे खड़े हुए हैं वहाँ पर एक ब्लू स्क्रीन लग रही है, तो इसका मतलब ये किसी बिल्डिंग में तकदीर हो जाएगी, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। और आपको उसका फर्स्ट लुक जल्दी से दिसंबर में देखने को मिलेगा, जो कि सोनी ने कन्फर्म करा है। तो गाइस आज के बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो मैं इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।